जय जोहार। छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बीजापुर में 7 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, 1-1 लाख के इनामी नक्सली, इसमें जनताना सरकार का अध्यक्ष भी शामिल है। जनताना सरकार, जनता की सरकार, ऐसा ढोंग नक्सली करते हैं। जनताना सरकार अध्यक्ष समेत 7 गिरफ्तार हुए। बिलासपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। थाना भैरमगढ़ और DRG ने ये कार्रवाई की है। अलग अलग जगहों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। जनताना सरकार अध्यक्ष समेत 7 गिरफ्तार, अलग अलग स्थानों से गिरफ्तारियां हुई हैं। जी, और थाना भैरमगढ़ की टीमें केश कुल सुराखाड़ा, केशा मुंडी और तुरेनाथ की ओर रवाना हुई थी। इस नक्सल गश्त के दौरान 1-1 लाख के 2 माओवादी सहित कुल 7 माओवादियों को पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ा गया, जो पुलिस पार्टी पर फायरिंग, ID पर विस्फोट और लेवी वसूली के कार्य में संलग्न थे, जिन पर थाना भैरमगढ़ में वैधानिक कार्रवाई पश्चात माननीय न्यायालय पेश कर रिमांड पर लिया गया। और संवाददाता दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, 7 गिरफ्तार, बड़ी कामयाबी। जी हाँ, बीजापुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सूबे की सरकार बदलने के बाद से ही लाल आतंक पे लगाम लगाने के लिए फोर्स के द्वारा कई सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसको लेके आज बीजापुर की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 7 माओवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये अलग अलग जगह में, अलग अलग घटनाओं में गिरफ्तारी हुई है। ये थाना भैरमगढ़ और DRG की कार्रवाई से अलग अलग स्थानों से जो नक्सली को गिरफ्तार गया, इन पे 1-1 लाख रुपए का इनाम था। और यह जनताना सरकार अध्यक्ष के रूप में इन्हें 7 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद दिनेश इस तमाम अपडेट के लिए। इधर कोरबा में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर हुई है बड़ी कार्रवाई। वर्ल्ड कप फाइनल से पहले बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 5 गिरफ्तार किए गए हैं। कोरबा से 1 की गिरफ्तारी हुई है, अंबिकापुर से 4 की गिरफ्तारी हुई है। 2 लैपटॉप मिले, 21 मोबाइल फोन मिले, 26 सिम जब्त हुई है। और तो और, कुल 85 बैंक खातों के बारे में जानकारी मिली है। अलग अलग बैंकों में 85 खातों को होल्ड पर रख दिया गया है। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 5 गिरफ्तार। सहयोगी अब्दुल असलम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल असलम, 5 की गिरफ्तारी, 85 बैंक खाते भी होल्ड किए गए, क्या कुछ अपडेट? आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड कप में सट्टा लगाने का मामला है, जिसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 1 कोरबा से और 4 अंबिकापुर से गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि ये अंबिकापुर में बैठकर ये कृष्णा बुक, जेट बुक और ऑल बुक के ID से ये सट्टा का संचालन कर रहे थे, जिसमें पुलिस ने 6,60,000 की के अलग अलग जो सामान है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सिम है और बाइक है, ये जब्त किया है और 85 खातों की जानकारी पुलिस को इसमें लगी है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले ऑनलाइन सट्टे पे एक कार्रवाई की गई है। इसमें हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 1 व्यक्ति को कोरबा से और 4 लोगों को अंबिकापुर से इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 लैपटॉप, 21 मोबाइल, 26 सिम, 40 चेकबुक और 73 ATM कार्ड्स बरामद किए गए हैं। इन 85 खातों में से 34 खातों की जो अमाउंट था उसको फ्रीज कराया गया है। इसमें अभी तक लगभग 7 लाख रुपए को फ्रीज करा दिया गया है और इस केस में अभी भी विवेचना जारी है। इधर जांजगीर चांपा में एक पटवारी का रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पटवारी का नाम है पदुमलाल भगत। राशन कार्ड में साइन के लिए पटवारी 300 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। वीडियो में पटवारी कहता है, मेरे साइन से जिंदगी भर राशन खाओगे, 300 रुपए देने में क्या तकलीफ है। धान खरीदी के समय जब अपर कलेक्टर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, उस समय यही पटवारी है शराब के नशे में मिला था, तब सस्पेंड कर दिया गया। 2-3 महीने पहले इसकी पटवारी की बहाली हुई है। 2-3 महीने का जो नुकसान था, 2-3 महीने पहले का जो नुकसान था, अब उसकी भरपाई कैसे की जाए, तो रिश्वत कर करके उसकी भरपाई की जा रही है। अभी 300 रुपए दे बर मतलब तकलीफ हुआ थी।
300 रुपया लगी दो ठीक है 600 रुपया कुछ नहीं कर। और अब खबर कोरबा से, जहां बीच चौराहे पर महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला युवक को मारने के लिए हाथ में पेचकस लेकर दौड़ पड़ी। इस दौरान युवक महिला से जान बचाकर भागता रहा। यह सारा विवाद अटल आवास के एक मकान में कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ। महिला और मकान मालिक के बीच विवाद चल रहा है। मकान पर कब्जा पाने के लिए महिला मकान मालिक की दुकान पहुंच गई। बीच चौराहे पर जमकर यह तमाशा होता रहा। अब बात करेंगे।